जज्बा इश्क का इजहार ना होने पाए, इतनी महंगाई है सो प्यार ना होने पाए। कुछ वजीरों की निगाहों में यही शिकवा है, हर एक शख्स गिरफ्तार ना होने पाए। वे कोशिश तो है पूरी की जा रही, लो फिर आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, बड़ी जबरदस्त आपने वेस्ट कोट पहनी हुई है। सर ये आज माशाल्लाह सीधी पहनी, कल उल्टी करके पहनी थी। टेंट क्यों कराते? कहते मैं ऑन दिया जुआ वास्ते मोटर पे बनाया। लीजिए पे बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन और एक्स गवर्नर पंजाब जनाब सरदार लतीफ खोसा। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान डेंटिस्ट इन्फ्लुएंसर एंड डिजाइनर मोहतरमा तानिया हबीब। शो जी माशाल्लाह, लतीफ खोसा साहब तशरीफ लाए हैं, इंतहाई खुशी हुई है सर। ऐसा ही है। मेरे बड़े मोहतरम हैं सर और बड़े प्यारे हैं। एक शेर में लाया हूँ जी आपके लिए जी। फैशन मॉडल और फैशन ही की इन्फ्लुएंसर तानिया हबीब खोसा साहब के साए में बैठी हैं। पांच दरियाओं के ठंडे पानी की एक लहर है खोसा साहब। वाह। और पीपीपी के दामन में ही फूले और फले हैं खोसा साहब। वाह। दिल के सच्चे अहद के पक्के खोसा साहब, आज भी पीपल्स पार्टी है कि झंडे तले खड़े हैं खोसा साहब। रब्बा दुख में कला उते, रब्बा दुख में कला उते, धर के अख दियां छलां उते, ते याद तेरी पे डंगदी है, याद तेरी पे डंगदी है, बन के अथरू गल्लां उते। लो जी मेरा भी अज पंजाबी शेर के साडे नाल ही बदीद होई है। ओए होए, ओदे घर दी असी हर शै ढोई है, अज बड़ी ओ सोहणी बन के फिरदी है, कसमे ओ क्रीमा लाला के चिट्टी होई है। जी खोसा साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र जी, बड़ी मेहरबानी, आपसे अरसे बाद मुलाकात हो रही है। काफी दिनों बाद हुई है। ये माशाल्लाह फकार साहब ने हमें कहा तो हमने कहा कि इतनी खूबसूरत महफिल में और माशाल्लाह आप जैसे और सारे, मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं आपके यहाँ तशरीफ। सर मुल्की मामलात है ना सर, उनके ऊपर बात करने के लिए सबसे बेहतरीन शख्सियत आप ही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अरे क्या बात, इसलिए आपको मैं दे दिया। क्या बात, अच्छी भली एक खूबसूरत महफिल है, क्यों आजकल माहौल दी आलूदगी नु बेच ले आ रहे हैं। सर माशाल्लाह तुम्हारी पर्सनैलिटी बेहतरीन तो बेहतरीन होती जा रही माशाल्लाह। आज तुम 210 बसों के मालक लग रहे जी। सर वी आर ग्लैड टू हैव यू ओवर हियर। तानिया जी आपके क्या हाल हैं? बिल्कुल ठीक। ये बताइए कि आपने शो देखा हुआ है? बहुत बार, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा जी जी बिल्कुल। और क्या आपको इसमें अच्छा लगता है? आई लव कॉमेडी, मुझे फनी चीजें वैसे ही अच्छी लगती हैं। आई थिंक इट्स सच अ फनी कॉमेडी। मेरी तरफ देख के कह रही हैं? आपकी तरफ भी देख के कह रही हूं। आपके हिसाब से हम फनी चीजें हैं? नहीं, आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने चल मेरे पर देखी हुई है, मैंने ये जवानी फिर नहीं आई भी देखी हुई है, और दोनों मुझे बहुत पसंद है। एंड आई थिंक आई एम वेरी वेरी हम्बल्ड कि आपने मुझे इस पे खुद बुलाया। ये तंज और मजाह में बहुत गहरी बातें कर जाते हैं। सो यू हैव अ फेयर आईडिया? यस यस ऑफ कोर्स आई डू। ठीक, वैसे आप इस्लामाबाद से आ रही हैं जी? खोसा साहब आप लाहौर में ही थे? अभी तो लाहौर था, कल इस्लामाबाद से आए। अच्छा आप भी इस्लामाबाद से हैं, तो इस्लामाबाद का माहौल कैसा है सर? इस्लामाबाद का माहौल, वैसे मौसम ठंडा है, माहौल बहुत बहुत गर्म है। माहौल बहुत गर्म है जबकि मौसम ठंडा है।
और खुसूसन दो बिल्डिंग्स जो आमने सामने हैं और माशाल्लाह वो बम्बार्डमेंट हो रही है दोनों तरफ से ही, ये पहले कभी नहीं देखा था। वैसे कौन सा पीपल्स पार्टी का क्या हाल है आजकल? देखें, पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह जो शहीद बाबा जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो इस मुल्क के साथ माशाल्लाह न सिर्फ ये आजकल जो बर्निंग इशू है रोटी कपड़ा मकान ताकत का सर चश्मा आवाम, बल्कि उन्होंने जो है आईन दिया पाकिस्तान, बर्निंग इशू तो आईन भी है इस वक्त, बेआईन एक सरजमीन को आईन दिया, बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कारनामा है, और उसके बाद एटम बॉम्ब दिया पाकिस्तान को और दिफा को जो है एक सीसा पिलाई दीवार बना के खड़ा किया है। और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो देखें, वो पहली वजीर आज़म थी दुनिया के जो मुस्लिम उम्मा है, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, और फिर दो मरतबा रही, और फिर उसने मिज़ाइल टेक्नोलॉजी दी जो आप आज हमारे हिंदुस्तान के आखिरी कोने तक दस्तरस रखती है। सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ा एक वर्षा है। आजकल थोड़ा सा जो है हमारी शरीफों के साथ मिलकर हमने थोड़ा सा आइन पर मामलात जो है कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, लेकिन मैं उसमें अपना एक नज़रिया रखता हूँ। आइन पाकिस्तान की न सिर्फ वहदानियत की ज़मानत है, बल्कि पाकिस्तान के एक बीवी को हम कहते थे चारों सूबों की जंजीर, इसी ने जोड़ रखा है, परो रखा है, ये इमरानी माहदा है। इससे इनहराफ करने का मतलब ये है कि हम पाकिस्तान को कमज़ोर करेंगे और अवाम के हकूक इसमें मुतायन कर दिए गए हैं। और आपने बड़ा वोकली भी ये बात कही जिसके ऊपर कुछ तरह माहौल खराब भी हो गया, कुछ नोटिस वोटिस हमने सुना है, कुछ इस किस्म का काम हो गया था। नहीं नहीं, मुझे कोई नोटिस दे सकता है? मैं पीपल्स पार्टी हूँ बाबा, भुट्टो ने कहा था एक मैं भुट्टो हूँ, एक आपके अंदर भुट्टो है। मैं तो उस वक्त ये पीपल्स पार्टी के बेहतरीन जो सियासतदान है, ना इनको कोई नोटिस दे सकता है ना नोटिस दे सकता है। ये भी ठीक है। देखें, मैं पीपल्स पार्टी में उस वक्त था जब अभी रानी शहीद की शादी नहीं हुई थी और जब बिलावल पैदा ही नहीं हुआ था, तो मैं तो उस वक्त से भाई पीपल्स पार्टी में हूँ। बाबा शहीद को हमने जो है एक ऐसी आन और शान के साथ देखा कि वो एक यूथ को मेस्मराइज करता था। आप और इतराज हसन साहब दोनों इतने वेटरन्स हैं पीपल्स पार्टी के, मगर दोनों ही इस वक्त कुछ दूसरी साइड पे हैं। नहीं नहीं नहीं, फ्रॉम द मेन स्ट्रीम पीपल्स पार्टी ना सर, ना हम आईन के साथ हैं, हम जमहूर के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो ये जो पीपल्स पार्टी, ये इस वक्त किसके साथ है? ये पीडीएम के साथ। देखे, वो हुकूमत जो है उसके अपने डायनामिक्स हैं, हुकूमत अपने आप को दिफा कर रही है, जो हुकूमत में हैं या एलाइज हैं। देखें, पीपल्स पार्टी जिस तरह मैंने कहा मैं हूँ, हमारी पार्टी की ये फैसला नहीं हुआ कभी भी। मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ, हमारी सीईसी में कभी ये फैसला नहीं हुआ कि हम जो है आइन से मावरा कोई काम करेंगे। आज भी अगर आप देखें तो उनकी जितने भी बयानात हैं कहते फिर भी यही हैं, आइन के अंदर रह के हमने सारे हल फैसला करी जे एक मिनट वास्ते भी अदालत ठहर ना सके। देख लिया, यही होया सी कि वो जेड़ा चौधरी शुजात साहब का हुक्म सी या फैसला सी, वो अदालत ने मुस्तरद करके वो जो वजीर आला बने सन उन्हें माजूल कर दिता। और उस बाद जो परवेज सर, आपने बताया कि पीपल्स पार्टी ने बड़े काम किए हुए हैं, नून लीग कहती है कि उन्होंने भी बड़े काम किए हुए हैं, इमरान खान साहब भी कहते हैं, तो जब कोई पार्टी काम करती है तो उसके बाद उनकी हुकूमत रहती क्यों नहीं है? हाँ, बहुत काम किए नून ने। जब यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था तो नवाज शरीफ ने कहा था नीचे उतरो, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानोगे तो फिर ना आईन है ना कानून है और ना जमहूरियत है। ये बातें कही थी और कहा था कि जरदारी साहब को मैं ऐवान सदर से फंदा डाल के चौकों में लटकाऊंगा, जाने क्या क्या करूंगा। बिल्कुल नून के बहुत ज्यादा माशाल्लाह कारनामे है। इतने बुरे ने तो उन्होंने नाल क्यों लाया? सियासत में एक तो हर्फ आखिर नहीं होता है। अब हमारे जैसे तो कम ही बेवकूफ होते हैं ना, जो एक लाइन पे खड़े हुए हैं तो नाक की सीट पे चढ़ना है, आइन से इधर उधर नहीं हमने होना है। लेकिन मसलहतों के जब आप शिकार होते हो तो फिर शायद इस किस्म के जो है कॉम्प्रोमाइजेस हम तस्लीम नहीं करते। मैं अर्ज करता हूँ ना, देखें यही जमहूरियत का हुस्न है हमारी अपनी पार्टी के अंदर। मैंने ये बातें
ये मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो उनके मुंह पर कहा मैंने, मैंने कहा कि आपको वजीर नहीं बनना चाहिए शहबाज शरीफ का। हमारे पास एक नौजवान क्यादत है बिलावल भुट्टो की शक्ल में, बेनजीर भुट्टो का बेटा है, नवासा है शहीद बाबा जुल्फकार अली भुट्टो का, एक बहुत बड़ी रिच लेगेसी के साथ आया है, और इसलिए हम चाहते हैं कि वो शहबाज शरीफ का वजीर ना कहलाए तारीख में, क्योंकि तारीख में जाहिर है कि ये तो 60-70 साल से ऊपर की क्यादतें हैं, बिलावल ही है जो नौजवानों की तरफ। सर आज मैं खुश हूँ कि जमहूरियत का हुस्न भी बैठा है और मेकअप वाला हुस्न भी बैठा है। ये क्या बात हुई तानिया, आपने डेंटिस्ट्री की हुई है जी, तो ये मैं हमेशा पूछता हूँ कि डेंटिस्ट्री में क्या होता है कि आप सबसे पहले लोगों के दांत नोटिस करती हैं? Honestly, मैंने डेंटिस्ट्री इसका स्किन एस्थेटिक्स में भी सर्टिफिकेशन। अच्छा, आप स्किन नोटिस करती हैं? हाँ, तो मैं स्किन ज्यादा जल्दी नोटिस कर लेती हूँ। अच्छा, तो आप मेरी तरफ देखे बगैर वहाँ देख के बताइए क्या नोट किया आपने। आप उस साहब की तरफ भी देख सकती हो, ज्यादा करीब बैठे हुए हैं। हमसे कर लिए बैक से डिस्कशन, लेकिन वो तो अच्छा, आप डिस्कशन कर लिया आपने होसा साहब? जी, हम बैठे हुए थे, माशाल्लाह देखें, एक तो द ब्यूटी एंड द ब्रेन, दोनों चीजें, ब्रेन भी है और ब्यूटी भी है, ये कॉम्बिनेशन जो है बड़ा लेथल कॉम्बिनेशन होता है। बात यह है कि कितनी देर आपको बैठने का मौका मिला? पहली दफा मिल रहा हूँ। नहीं नहीं, मौका कितनी देर को? 5 मिनट होंगे, 6 मिनट, 7 मिनट तकरीबन इतने होंगे। हाँ। सर 7-8 मिनट में आपने डिवाइस कर लिया ये बात कि ये ब्यूटी एंड द ब्रेन है। हाँ? मेरा शो देखा ये वाला कभी आपने? बिल्कुल देखा है, बड़ी दफा देखा है। सर को 1200 एपिसोड हो गए, ना ब्यूटी आपने कहा ना ब्रेन का। थैंक यू सर, आई एम ऑनर्ड। ये शरारतें कर रहा है। तुसी इलेक्शन दा सोचो, तुसी की सोच रहे हो? ये वैसे देखे, और कोई मशवरा भी दिया नहीं? मैंने कोशिश की, पर इन्होंने कहा कि मेरे क्लिनिक में आइएगा इस्लामाबाद में। अच्छा। मैंने कहा अल्लाह माफी दे, डेंटिस्ट्री में इतनी तकलीफ होती है जो लेकिन डेंटिस्ट ने तो तुम पता है कि तानिया महल्ले से कह रहे कि मुझे सदर सदर कहो। ऐसी बात नहीं, मगर तानिया जी आपने वैसे उनको ऑफर किया कि आप आए इस्लामाबाद? जी मैंने कहा, मैंने कहा आपको पेन नहीं होगा लेकिन अल्लाह आपको तकलीफ से बचाए, आपको हो ही ना, लेकिन आप स्किन के लिए आ जाए ना, मेक यू लुक यंगर। नहीं, मगर मैंने कहा कि तकलीफ ही तो जिंदगी की अलामत है। ये तकलीफ भी वैसे जमहूरियत का हुसन ही है, पाकिस्तानी आवाम के लिए। आवाम को तकलीफ ना, जदों तकलीफ होंदी तां इमरान खान साहब याद आंदे ने। मैं समझता हूँ ये बहुत अजीब और बुरी रीत है कि जब आप हुकूमत में आते हो तो आप सारी ये हरकतें करते हो, और जब आप अपोजिशन में होते हो आपके सारी बुनियादी हकूक, आज़ादी सहाफत और सब चीज़ें आपको याद आती हैं। उस वक्त जमहूर की तकलीफ भी याद आती है, महंगाई भी आप करते हो, और जब आप हुकूमत में आते हो तो उन्हीं इदारों को, उन्हीं एजेंसीज को आप इस्तेमाल करते हो। बदकिस्मती है ये, वैसे मैं आपको बताऊँ, बट टू रॉन्ग्स विल नॉट मेक वन राइट। Yes. इस वक्त जो कुछ हो रहा है मैं समझता हूँ ये भी काबिले मज़म्मत है, और जो पहले हो रहा था वो भी काबिले मज़म्मत ही था। बिल्कुल, हमने औरतों की जो है ना एम्पावरमेंट के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई जेंडर डिस्टिंक्शन नहीं है। हमारे यहाँ ये नहीं है किसी का इस्तेहसाल, फिर हम माइनॉरिटीज को माइनॉरिटीज नहीं कहते, हम कहते हैं ये पाकिस्तानी है चाहे वो किसी भी दीन धर्म से, और हमारे यहाँ ये बिल्कुल नहीं है। हमारी पहली प्राइम मिनिस्टर औरत थी, हमारी पहली स्पीकर जो है फहमीदा मिर्जा वो भी औरत थी, आप देखिए हमने तो तारीख रकम की है, पहली जज हमने हाई कोर्ट में औरत बनाई थी। अब भी हम चाहते हैं कि इनको आगे लाया जाए। 52% यार औरतें हैं इस मुल्क में, आप माइनॉरिटी में हैं हम। बिल्कुल। पहले इनकार बहुत करता है, फिर वो गुफ्तार बहुत करता है, वो बिना इल्म ही सियासत पर बहसो तकरार बहुत करता है, माली हालत बताने लग जाए तो वो बेजार बहुत करता है। हाय हाय आ वेलकम बैक जी। इतानिया जी आप माशाल्लाह बड़ी प्यारी भी हैं, मेरी शादी नहीं हुई तो काफी लड़कियों से मैंने बोला भी है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन वो मुझे रिजेक्ट कर जाती हैं, तो कोई ऐसा हल बताएं कि मैं क्या कहूँ ताकि वो मान जाए कि मेरी शादी हो जाए। इंशाल्लाह जरूर होगी, आप दुआ ना दें, मुझे कोई सलूशन दें इसका, कोई एस्थेटिक्स की दुनिया में कोई इसका हल है ना। पहले तो आप मेरी क्लिनिक आए, जरा मैं आपके चेहरे पे थोड़ा हम काम करेंगे। मेरे चेहरे पे लेटर बनाओ तुम।
मेरा चेहरा तो ऐसा, मैं कितने जावा अगले कहते तेन काम नहीं मिलना, निकल जा। क्यों कहीं ना करेगी आपको, बस आप ट्राई टू हार्ड ना करें ना, थोड़ी अपनी बस दूर दूर से रहें। नहीं, इन्होंने ट्राई की थी ये दूर दूर वाली, वो फिर बिल्कुल ही कोई चांस नहीं बचा। अगर मुझे ये बताएं वैसे आपको क्या लगता है, क्या आप रिकमेंड करेंगे अगर आपके पास ये आए तो, कौन कौन से हिस्सों पे मार्जिन है? ओवरऑल मैं कहूंगी कि आप थोड़ा सा अपने फेस को थोड़ी फ्रेशर लुक दें, तो उसके लिए हम आपका कुछ नहीं नहीं आपका फेस इज फाइन, हम बस थोड़ा सा इसको फ्रेश और यंगर करेंगे, और आपकी जो इनर ब्यूटी है वो भी बाहर साथ निकालेंगे इंशाल्लाह। पल्ले से फिर फ्रूट वगैरह खाता हूँ मैं तो, चैनल से ही खाता हूँ जब भी खाता हूँ। और क्या, फेस को फ्रेश करूँ? और हाँ जी, अब जिस एक्टर का आप तस्वीर दिखाएंगे ना, ये ब्यूटीशियन है और आपको उसी में डाल देंगे। आप नाम लें। खोसा साहब, आपको कैसे पता है? हमारा पेशा जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव आर्ट है, इसमें सारी जो है दुनिया की आपको कुछ ना कुछ जो है आगे हल्की नॉलेज आपने ली हुई है हर चीज की। अच्छा सर, फेस पे काम होगा, उसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा? अल्लाह से दुआ। कोई ऐसी चीज आपने तानिया फ्रैंकली नहीं बताई जो किससे पहले ये ट्राई ना कर चुके हो? अच्छा? हाँ, ये दुआएं ये कर चुके हुए हैं, ट्राइंग हार्ड टू गेट ये भी कर चुके हुए हैं, फेस चिट्टा करने वास्ते रेगमाल भी मार लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सबको ट्राई किया, इस बार मैं दुआ करके देख लेती हूँ, शायद मेरी मान जाए। वो कह रहे मैं दुआ करके देखती हूँ, शायद इस बार मेरी दुआ चल जाए। अपने लिए दुआ कर लें कि आपको मैं मिल शुरुआत से यही कहना चाह रहे थे, आपको समझ नहीं आ रही थी, फिर उन्होंने बराह रास्त ठा करके बुलाया। बिल्कुल, मगर उस पे भी एहसान उन पे रखा है उन्होंने। हाँ। कि आपकी दुआ कबूल हो। मैं सोच समझ के दुआ करूंगी, आप फिक्र ना करें। तानिया, आपको कोई शौक है एक्टिंग वगैरह का? जी शौक था एक टाइम में, जब अच्छा। हाँ, जब टाइम था तो तब शौक भी था, पर इजाजत नहीं मिली थी। अच्छा, तो अब शौक खत्म हो गया। शौक खत्म हो गया यानी कि? मतलब अभी आई हैव थ्री थिंग्स गोइंग ऑन, माशाल्लाह, क्लिनिक है, फिर इन्फ्लुएंसिंग है, फिर आई आल्सो रन माय ओन क्लोथिंग ब्रांड। ब्रांड भी है? कोई चीज रह गई हो जो आपने नहीं की हुई है? एक दो दिमाग में चीजें। वो क्या चीजें हैं जो नहीं कर रही है अभी और करना चाहती हैं? मैं आपको बताऊंगी तो फिर आप कहेंगे करके दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कहते, इनकी घर वाले बात नहीं मानते, आपने कहां से मान लिया? और क्या विश लिस्ट है आपकी? इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो सिंगिंग करूंगी जरूर। सिंगिंग का? अच्छा। हाँ, मुझे अच्छी लगती है, बहुत बुरी हूँ मैं उस पे, पर वो मुझे हॉबी टाइप है, मुझे सुकून देती है। ओके। और दूसरा इंशाल्लाह ना एक स्किन केयर ब्रांड लॉन्च करना है जरूर। ब्रांड भी लॉन्च करना है? ओए कोसा साहब, इरादे नेक हैं, वल्लाह मदद रुक नहीं रही है। देखिए कितनी एंटरप्राइजिंग लड़की है वो। आजकल की यूथ जितनी है ना, टैलेंटेड है, आपकी सोच है जी। और मैं यहाँ भी एक ग्लोइंग चेहरे देख रहा हूँ, सिंगिंग भी ये अगर आप फरमाइश करेंगे तो ये बिल्कुल उन्होंने खुद ख्वाहिश का इजहार से वो यहाँ से जा रहे हैं। आपके वैसे फेवरेट सिंगर्स कौन हैं? I love आतिफ असलम। आतिफ असलम जी मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। आतिफ असलम आपको पसंद है? जी, he's a good singer। आजकल कौन सा गाना आतिफ असलम का पसंद है आपको ज्यादातर? आजकल तो उनका कोई नया सुना नहीं, मौका ही नहीं मिला। आखिरी कौन सा जो गुनगुना रही हो या आपको याद हो कि ये बड़ा अच्छा गाया था आतिफ ने? मुझे उनके अल्लाह के जो नाम उन्होंने पढ़े वो मुझे बहुत पसंद आए। ठीक है, आई लव देम। फिर वही खुदा है, आई क्राइड व्हेन आई हर्ड इट, इट वाज सो ब्यूटीफुल। लेकिन अगर गानों में आए, मुझे उनका कुछ इस तरह बचपन से बहुत अच्छा लगता है। कुछ इस तरह बचपन से, ये कौन सा गाना? अच्छा, वो गाने का नाम ही कुछ इस तरह बचपन से, मैं कह शायद बचपन से कुछ इस तरह गाना है कोई। तो थोड़ा सा खोसा साहब की फरमाइश है सुना दे। खोसा साहब की फरमाइश है, देखिए वो कह रहे हैं। मैं और आतिफ असलम, मैं कभी सोच नहीं जी। सर आपने मुझे किस चीज में फंसा लिया? मैंने भी आसानी से कमाल है, यू आर सच अ टैलेंटेड पर्सन, आप छुपाए ना अपना, सुनाइए बाहर निकाले जी प्लीज। दिखा, मैंने क्यों कह दिया? नहीं नहीं, आप करें करें, देखिए अब तो इतना वो उन्होंने कभी हमें भी नहीं कहा। लड़की वाला गाना तो बोले, मैं लड़की की आवाज में कैसे गाना गा सकती? आप लड़की वाला कौन सा गाना चाहेंगी? सोचने दे, एक सेकंड सोचने का वक्त मिलूंगी। हां सोचिए सोचिए। या तो मैं आसिम अजहर का ही गाना है, उसमें एक गर्ल पार्ट है, मुझे अच्छा लगता है, मैं उसे ड्राइव करते हुए सुनती हूं, तो मैं आपको गा देती हूं थोड़ा सा, पर प्लीज मजाक ना उड़ाइएगा। सब है दिखावे झूठे बहलावे, एक ही कदम लाए सौ सौ पछतावे। वाह वाह, क्या बात। करीब जो थे वो खोसा साहब आप ही थे, तो आप बताएं कि कैसी थी सिंगिंग? देखिए अभी जरा खुल रही हैं, अभी
अब आप क्या कह सकते। खोसा साहब कभी रहा कुछ सिंगिंग वगैरह का शौक? सिंगिंग कोई नहीं, बाथरूम सिंगिंग तो सभी करते हैं। वही है ना, देखिए हॉबी है। बाथरूम सिंगिंग आप कर लेते हैं? कभी कभी गुनगुना लेते हैं। मेरी भी फरमाइश है, मैं भी सुनना चाहूंगा। कौन सा गाना अब आप सुनाएंगे? एरी मैं तो प्रेम दीवानी मोहे दर्द न जाने कोई। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मोहे दर्द न जाने कोई। ना मैं जानू ठाकुर के नाम है ना मैं जानू प्रेम के बंधन ना पूजा कीरी। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मोहे दर्द न जाने को। मैं आपका मुकाबला नहीं करूंगा। क्या साहब, आप दो सवाल मेरे। पहला ये कि आप ये बाथरूम में गाना गाते हैं? भाई, जब आप कहे ना कि मैं कोई रेगुलर सिंगर नहीं हूं तो फिर यही फ्रेज इस्तेमाल। कुछ ज़रा बड़ा दर्दनाक गाना नहीं है बाथरूम के लिए? बंदा कितनी देर रहते होंगे आप बाथरूम में? आज, इसका तो माहौल बनते बनते बड़ी देर लग जाती है। आज आज सारी मुल्क की आवाम यही दर्द भरा गाना गा रही है। अच्छा, आपकी माँ पुकार पुकार के इन सियासतदानों को कह रही है कि मेरा खुदा का वास्ता है, मेरे दुख दर्द का मदावा करो। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि आपने बड़ी जल्दी बात मानी तानिया की, तो क्या करता इतनी जल्दी मान जाते हैं बात? देखिए, हम तो जमहूर के आप बात को बहुत आराम सर। ये आप बार बार कहते हैं हम तो जमहूर के बारे, ये इधर कोई चाइना के लड़के तो नहीं बैठे? पाकिस्तान की आवाम जमहूर है सर, हमारे पास भी नादरा वाला आईडी कार्ड ही है। लेकिन दूसरी चाइना ने जैकी चौधरी जमहूर को हक राय दही नहीं दे रही है और दो सूबों में जमहूरी हुकूमत नहीं बनाने दे रही है और दो तिहाई पाकिस्तान जो है गैर फाल है जमहूरी तौर पर, आईनी तौर पर। तो मैं इनकी बात नहीं करूंगा तो किसकी बात करूंगा? नहीं, बिल्कुल इनकी बात तो आप करें, मगर मैंने देखा है कि आप बड़े चलाक हैं, आपने जो हसीन वाला जमहूर है उसकी बात सुनना शुरू कर दिया। मलबा पड़ा हुआ उसको नहीं कर रहे। खोसा साहब नए सिंगर्स में से सुनते हैं किसी को? हाँ, ये बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा आतिफ, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो आपकी कवाली को और उसमें जम किया मॉडर्न, उसमें वो एक अपना एक मिजाज भी अपना रखती है, हुस्न भी है उसका अपना है। फतेह अली खान ने जो अपने बड़े का जो उसको रूप धार के जिस तरह उसको उजागर किया, दुनिया सारी में इस वक्त जो है माशाल्लाह राज फतेह अली खान का कोई बचपन आपने तो सिरिंज निकाल निकाल के वो इंजेक्शन लगाने हैं, वो इंजेक्शन लगाने हैं, वो क्रीमें लगनी है, एक पैसा नहीं आतिफ असलम का लगना उस पे। तो आपका भी नहीं लगेगा, आप भी आएंगे आपकी भी सेम चीज। नहीं, मेरा पेट्रोल बड़ा लग जाएगा ना इस्लामाबाद। निर्गोली तुम यहाँ सो रहे हो, उधर किंग की ताजपोशी होने जा रही है, मामू हो तुम उसके। जी सर,
बाजी मैंने बड़े प्यार कर दे सा। फिर मैं उठिया ते किंग साहब दी कॉल आ गई है। कौन? मैंने कहा मैंने मामू किंग आ रहे हैं ना। किंग साहब <चार्थ से। laughs> मैं क्या भांजे की ताज पोशी और मामू ना ऐसा हो नहीं सकता। निर्गोली इंग्लैंड जाने ही। ओ, मैं क्या सर अन्ना की मंगे छे अखा। मैं क्या सर खैर नाल जाना है। कहने नाले किंग दी ताज पोशी दी जावांगे नाले वडे मिया साहब नूं मिलावांगे। मैं क्या असल ते तुसीं जाए वडे मिया साहब रहे हो। लेकिन मैं करके टाइम वेखिया मैं एयरपोर्ट जाना ही नहीं चाहिए। मैं सीधा रनवे आले पासे पा लिया। मैं रनवे ते चढ़िया आओ प्यारा आ रहा है। बजिया ने फिर क्रीसा। अच्छा मैं कहना दो टायर चुक के घुमाया प्यारे ने कोल आके मैं हाथ बार कढ़िया। हाँ। छोटे मियां साहब ने हाथ बार कढ़े। अच्छा ऐ हाथ दे हाथ विच पए ने। हाँ। चलिए फिर क्लिफ हैंगर। निर्गोली हकूमत मेरी भी क्लिफ हैंगर ते टंगी हुई चुप पहुंचे। फिर लगी हुई तकरीब ते तुहानू पता के ताजपोशी दे विच ताज किने पाया। यार यार नहीं यार यकीन करो नहीं यार उन्हां दा कोई ओहदेदार सी। बड़े खुश हुए वड्डे मियां साहब। अचानक जो बगैर दस्यो गए सन कहंदे ने कित्थों आ रहे हो। मैं क्या सर ताजपोशी ते गए सन। कहंदे ने लोकां दी ताजपोशी कराई जा साडी ना कराई। छोटे मियां साहब दी डेल लगी इलेक्शन कराउन ते तुहाडी ताजपोशी अडियाला दे विच तैयार है। मैं कह सर तुहाडी ताजपोशी पाकिस्तान विच तैयार है। बस ओहदे वास्ते इलेक्शन कराउणे पैणगे। फिर छोटे मियां साहब ने कीता जद्दे बाबा जद्दे इलेक्शन दी गल नहीं करनी। ओके मैं कह क्यों सर। कहंदे ने कोई पता नहीं किसी होर दी ताजपोशी हो जाए। जी सर उतो फिर वापस लौटे हैं। ते मैं क्या एक बारी बाजा ने मिलन ते नाले माशाल्लाह अयूब खोसा साहब नहीं है। नहीं मैं क्या जी अयूब खोसा साहब और लतीफ खोसा साहब दा मैं फैन होया। अच्छा भाई फन दी दुनिया च भी बेताज बादशाह होए ने ते सियासत दी दुनिया च लतीफ खोसा साहब भी बेताज बादशाह होए। जद गवर्नर सन मैं किथे सां किधर से मैं तुहानू पुछ रहा तुसीं मैनूं पुछ रहे। ऐसा नाम पैदा किया क्या बाकी ना है दानिया हबीब। देखो ना जी छोटी जी बच्ची है लेकिन किड्डा ज़हन है। सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो। आज माशाल्लाह फिर तुसी बड़े प्यारे लग रहे हो। ऐ प्यारे ए ही मैं पोस्टर छापना सर। सर लेकिन मैं अपनी जिंदगी एडा दिलेर अफसर नहीं वेख्या यार। अच्छा जी एक दिन मैं गया ते थाने दे बाहर रो रहा। मैं क्या की होया। कहिंदे डाकू ने मैनू चपेड़ा में मारे मेरा पिस्तौल भी लग गए। वेलकम बैक। अवाम का सवाल है सर हमारा एक सेगमेंट जिसमें हम इनको मौका देते हैं इफ दे वांट टू आस्क यू एनी क्वेश्चंस। तो जी भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अकारुल हक है। मेरा क्वेश्चन खोसा साहब से है।
आजकल हम काफ़ी देख रहे हैं कि आपका नज़रिया इमरान खान से बहुत मिलता है, आप पीटीआई क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? थैंक यू। देखें, एक बात तो ये है कि अगर वफा नहीं है तो कुछ भी नहीं है इंसान में, अगर वफा नहीं है तो फिर वो इंसान नहीं है। पुरानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेरे घर ठहरती थी, भुट्टो को मैंने फांसी लगते हुए देखा, मैंने भुट्टो को जो है वॉइसलेस पीपल को आवाज़ देते हुए देखा, मैंने 22 खानदानों से जो है दौलत को निकाल के हमने कौमी आया भुट्टो साहब ने किया, आवाम में उनको दी अमानतें उनकी दी वापस, और जितनी माशाल्लाह उनका क्रेडिट था वो मुझसे मेरे अंदर से निकल नहीं सकता है, क्योंकि मैं मंशूर जो पीपल्स पार्टी का था जिसमें रोटी कपड़ा और मकान के अलावा ताकत का सरचश्मा आवाम है, और फिर उसके बाद हमने आखिरी ये किया था कि शहादत मेरी मंजिल है। भुट्टो भी शहीद हुए, बेनज़ीर रानी भी शहीद हुई, तो ये पीपल्स पार्टी का ये तुर्रा इम्तियाज़ है। इसलिए मैं कोई इमरान खान साहब से कोई ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह इस वक्त उन्होंने भी एक कल्ट डेवलप किया है, वो पाकिस्तान की इस वक्त बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की आवाम की बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे काबिल सताइश है, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी हूँ, पीपल्स पार्टी में था और पीपल्स पार्टी में। जी क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद हमजावा। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है खुसा साहब कि ऐसी कौन सी आपकी सियासी ख्वाहिश है जो आप गवर्नर होते हुए पूरी नहीं कर सके? मैं आपकी कमा को खिदमत नहीं कर सका हूँ, मैंने कोशिश की, मैंने 2000 केसेस जो है ना, क्योंकि मेरी पेशा वकालत से था ताल्लुक, मैंने अपीलें सारी सुनी और सभी को रिलीफ दी, लेकिन मैं समझता था कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है इस मुल्क की जो बेसिकली आपकी खादिम है, ये हुक्मरानी क्यों कर रही है और मनमानी क्यों कर रही है? ब्यूरोक्रेसी अगर इस मुल्क की सही माने में अवाम की खादिम बन के, क्योंकि कायदे आजम ने कहा था ब्यूरोक्रेसी को एड्रेस करते हुए, देखो भाई हुकूमतें आती जाती रहती हैं, तुम मुलाजिम हो रियासत के यानी अवाम के, और आपको पता है भुट्टो ने जो मुंजबित किया ताकत का सरचश्मा अवाम, आर्टिकल 7 आपका आइन का जो है उसमें रियासत की जो तारीफ की गई है वो अवाम है, नीचे से लेके ऊपर तक मुक्तदिर किया उनको, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से लेके सूबाई हुकूमतों से लेके मरकजी हुकूमत में सिर्फ और सिर्फ अवाम अपने नुमाइंदों के जरिए हुक्मरानी का हक रखते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ है कि आपकी इज्जत अवाम की इज्जत की जाए, अवाम के हकूक़ की पासदारी की जाए, अवाम को एम्पावर किया जाए और अवाम की खुशहाली के लिए हुकूमतें सारी कार बंद हों और काम करें। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं सबको आपका मुलाजिम बना के आपको यकीन इंश्योर करूंगा कि आपको आपके हकूक मिले। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है और मेरा क्वेश्चन तानिया मैम से है कि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और आजकल की जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया मोस्टली यूज़ कर रही है, तो अगर फॉर द टाइम बीइंग ये सब स्टॉप हो जाए तो आप किस तरह इन्फ्लुएंसिंग करेंगी या प्रमोट करेंगी? देयर इज नॉट जस्ट वन प्लेटफॉर्म ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत से हैं, एंड यू नो स्पेशली जेन ज़ी, आई एम नॉट अ जेन ज़ी, आई एम अ 90s बेबी, पर जो जेन ज़ी है वो कोई ना कोई नया नया निकल रहा है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, फेसबुक है, बट ऑनेस्टली आप सिर्फ इसको अपना मीन्स ऑफ रोजी नहीं बनाओ, यू शुड हैव अ करियर, यू शुड हैव समथिंग सेपरेट। मेरा कल भी इंस्टाग्राम बंद होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सिक्योर एज अ यंगर पर्सन, और या आप में से जो भी छोटे बैठे हुए हैं ज़रूर आप सोशल मीडिया पर रहो, एक प्रेजेंस होनी ज़रूरी है, ऑनलाइन बिजनेस से लेके आपकी एक वॉइस है, आप पे अपना एक ओपिनियन है आप दे सकते हो, मगर साइड पे आपका प्रोफेशन ज़रूरी है होना चाहिए मेरे लिहाज से। वाओ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकील जुवेद भट्ट है और मैं इंटरनेशनल वेरिफ्टर हूँ। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि पीपल पार्टी 2 बार बरसकदार रही है लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्स पर कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई फोकस नहीं किया, इसकी क्या वजह है? देखिए बिल्कुल होना चाहिए, खान साहब तो माशाल्लाह, इमरान खान वाज द प्राइड ऑफ द नेशन, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता उनकी जो है, लेकिन पॉलिटिक्स इज नॉट अ T20 या क्रिकेट की गेम नहीं है जिसमें आप मार्चिंग ऑर्डर्स करवा दें। बदकिस्मती से खान साहब ने हुक्मरानी भी क्रिकेट मैच समझ के ही है और सारी टर्मिनोलॉजीज भी वही हमारी 3.5 साल की सियासत में रहे, तो इसलिए स्पोर्ट्स को डेफिनेटली इनक्रेज करना चाहिए। कोई मोहल्ला, कोई हाउसिंग कॉलोनी बगैर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अप्रूव न की जाए इस मुल्क में। सड़कों पर बच्चे खेल रहे होते हैं, आप कभी देख लें किसी को जो है वो प्लेग्राउंड,
आप यूरोप में, अमेरिका में जहाँ जाएं आपको नज़र आएगा, स्विमिंग पूल नज़र आएंगे। कोई हाउसिंग कॉलोनी नहीं है जहाँ टेनिस लॉन्स नहीं होंगे, जहाँ सॉकर क्लब ग्राउंड नहीं होगी, जहाँ गोल्फ नहीं होगा, जहाँ जो है स्विमिंग पूल नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें आपकी मेंटल ग्रोथ भी करते हैं, फिजिकल ग्रोथ के साथ इंटेग्रेटेड है आपकी मेंटल ग्रोथ। तो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स को तो डेफिनेटली इनकरेज करना चाहिए, और ये ग्रास रूट लेवल से जो है टिल द क्रेडल टिल डेथ, इवन द एल्डर पीपल दे ऑल्सो वॉन्ट आउटलेट्स फॉर स्पोर्ट्स, उनकी भी एनर्जी जो है, उनको भी कैलोरीज बर्न करके उनके लिए भी एक लाजमी और ज़रूरी है। आजकल पेरेंट्स ने गैजेट्स पे और मोबाइल पे लगा दिया है अपने बच्चों को, ये उनको रिटार्ड कर रहा है। ये जो इंटरनेट आ गया है, ये बहुत नॉलेजेबल हैं बच्चे, लेकिन इससे इंट्रोवर्ट हो गए हैं। दे हैव टू हैव एवेन्यूज फॉर स्पोर्ट्स एंड प्ले ग्राउंड्स, और बाहर का जब तक माहौल नहीं देखेंगे, आप सोशलाइज भी नहीं करेंगे, आप अपने अंदर महदूद होते चले जाएंगे। ये पेरेंट्स पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी पर भी है, और जाहिर है कि हुकूमत पर तो होती होती है। बहुत जी साहब, हमारा एक सेगमेंट है 2020 का, इस पे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा आपको साथ, आपको उसमें से ही अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तानिया, तो आप जनरल नॉलेज में जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोसा साहब के साथ, एंड लेट्स सी। कोसा साहब ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें तीन लोग पहले से मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे, और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब यूसुफ रजा गिलानी, जनाब रजा रबानी और जनाब राजा परवेज अशरफ। तो किसके साथ तस्वीर खिंचाएंगे? देखें, तस्वीर तो मैं खिंचाऊंगा रजा रबानी के साथ। रजा रबानी साहब के साथ, ठीक है। अच्छा, मुस्कुरा के देख रहे हैं आप? मुस्कुरा के देखूंगा मैं राजा परवेज अशरफ साहब, और फ्लोर है यूसुफ रजा गिलानी साहब का भी, तीसरा रह ही हो गया। ठीक है सर, ये बताएं, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, आपके फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब नवाज शरीफ। यार ऑप्शन है मेरे पास नहीं, आपके पास कहां से होगी? मौलाना फजलुर रहमान कर लेंगे। सर ये बताएं, टाइटैनिक फिल्म आपने देखी होगी? देखी है। ओए होए सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, बिल्कुल दो वीआईपी पास है खोसा साहब आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को टाइटैनिक पे साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तानिया हबीब और इफ्तिखार ठाकुर। यार माइंड ना करें तानिया को। सर ये बताएं, चांद पर जा रहे एक स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, ऑल दो यू विल कम बैक, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अब्दुल कादिर पटेल और जनाब मुराद अली शाह। सेकंड मुराद अली शाह। ओके, मुराद अली शाह है, ठीक है। सर डूबती कश्ती में सवार है, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान खान या फिर पीडीएम। इसमें सोचने की कौन सी बात है, इमरान खान। जबरदस्त जी तानिया, आपकी बारी है, ये बताइए चांद पे जा रही हैं आप भी, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल दो यू विल कम बैक, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब होंगे वो। पूछा साहब आंधा फंधा है तो कुड़ी अद्धी की पीपल्स पार्टी से चलेगी। नहीं, उसके पीछे कहानी है। अच्छा, कहानी वो कहानी क्या है? मेरे फादर भी पॉलिटिक्स में है, नाउ ही इज रिटायर्ड, ही हैज बीन अ मिनिस्टर 3 times, हबीबुर रहमान तनोली उनका नाम है। वो मोहतरमा बेंजी भुट्टो के साथ भी काम कर चुके हैं, और जो मेरा गांव है, भुट्टो साहब ने ज़मीनें तकसीम की अपनी ज़ाती, और उन गरीबों को राइट दिया, स्टेट तनावल की स्टेट को अलग किया, और उन्हें ये भी बता दिया कि कोर्ट के बगैर आपसे ज़मीन कोई ले नहीं सकता। ए, मेरे तो बड़ी जी आ रही है।
तानिया तो ये बात आपने पूरे शो में बताई नहीं, बता रही है। नहीं मैं इज्जत बहुत करती हूँ। मगर देखे ले सर ये क्या निकला है, हिस्ट्री निकला है, मेरे तो वड्डी जा रही है। ले जी ले कमाल ठीक है। ये बताइए टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, दो वीआईपी पास हैं, किसको अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब खोसा साहब। मैंने रिप्लेस किया नाम किसी और का था। खोसा साहब आपको तो खुशी मिल गई ना जिसका भी था। ये बताइए फिर डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देनी है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आतिफ असलम और इफ्तिखार ठाकुर। इफ्तिखार ठाकुर। Well, sir, thank you so much for being on the show. It was lovely having you over, Tanya. Thank you so much. For having me. And thank best you. of luck for thank your you career. Thank you so much. Thank you.